लोक अदालत जो हमारी चल रही है बहुत सफलतापूर्वक चल रही है। मुझे उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय में ही करीबन जो है 55 से 60 केस जो है 16 समझौते के आधार पर निस्तारित हो जाएंगे। मुख्यतः इनमें जो हमारे जिला न्यायालयों में भी 13 जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी आयोजित की जा रही है, उन सभी को मिलाकर के जो है कुछ हज़ार केस हमारे निस्तारित हो जाएंगे, जिनमें मोटर दुर्घटना प्रतिकर के वाद हैं, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के वाद हैं, या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैं 16 समझौते के आधार पर, वो भी निस्तारित होंगे। इसके अलावा जो चेक डिसऑनर के केस हैं वो भी होंगे। अच्छा, जो राजस्व न्यायालय हैं उनमें भी आयोजित कर रहे हैं, उनमें राजस्व वाद भी निस्तारित होंगे। तो ये एक प्रयास है कि वादकारियों को शीघ्र त्वरित न्याय मिले और 16 समझौते के आधार पर मामले का निस्तारण हो जाए, ताकि दोनों पक्ष संतुष्ट रहें और जो विवाद है वो वहीं समाप्त हो जाए। और लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करने का एक लाभ ये भी होता है कि वादकारी को उसकी कोर्ट फीस वापस करने का प्रावधान है, और उसके अतिरिक्त इस लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील का प्रावधान नहीं है, तो वो निर्णय जो है वो अंतिम हो जाता है, विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, दोनों पक्षकार प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसको और आगे हमें ज़रूरत है कि हम इस पर और अधिक प्रयास करें, वादकारी हमारे आम जनता और जागरूक हो और अधिक से अधिक मामलों को अपनी राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित करवाएं, ताकि उनको शीघ्र न्याय मिल सके।